हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे केले और ज्वार के आटे के पराठे। इसके लिए मैंने 1.5 कच्चे केले को बॉईल करके लिया है। अब हम इसे मैश कर देंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से मैश कर देना है ताकि आटे में अच्छे से हम मिक्स कर सकें। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे और आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून सफ़ेद तिल, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक डालेंगे आधा टीस्पून। और ये मैंने यहाँ पर करी लीव्स को कट करके रखा है, फ्रेश करी लीव्स थे तो मैंने कट करके डाल दिए। 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ अगर आपको हरी मिर्च डालनी है तो आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च मत डालिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था मिर्च के बिना। तो मैं यहाँ पर रायते और अचार के साथ में सर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं और कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से दबा के मैंने आधा कप जितना यहाँ ज्वार का आटा लिया है पहले से मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम इसमें गेहूँ का आटा डालेंगे, तो वो मैंने 1/4 कप लिया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा गीला हो रहा है तो आप थोड़ा आटा ज़्यादा लीजिए, और मेरा यहाँ पे कड़क लग रहा था और इसमें हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें इतना ही गेहूँ का आटा डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा लगा देंगे, तो ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है। इस तरह का मैंने आटा लगाया है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके, इतना पानी बच गया था आधा कप पानी में से। अब थोड़ा सा घी ले लेंगे और अच्छे से आटे को मसल के रख देंगे। 10 मिनट का इसको रेस्ट दिया है, तवा गरम करने को रख देंगे। 10 मिनट के बाद में हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे और इसकी बॉल्स बना देंगे। यहाँ मैंने थोड़े से थिक बनाए हैं तो 4 पराठे बने हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह से एक बार आप बना के देखिए, आपको खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बॉल्स बना के मैंने गेहूं के आटे से डस्टिंग की है और हल्के हाथों से इसे बेल देंगे, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन से आटे से आपने ये पराठे बनाए हैं, इतने अच्छे ये बने हैं। तवे पे थोड़ा सा घी डाल दिया, पराठा डाल दिया है, दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे घी लगा के। आप चाहें तो ऑयल के साथ में भी सेक सकते हैं इन्हें। ये पराठे आप रायता अचार किसी के साथ में भी सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप देखिए कितने ये सॉफ्ट भी बने हैं। तो एक बार इस तरह से भी बना के देखिए। अगर आपको कच्चे केले की वैरायटी पसंद है तो मैं यहाँ रायते के साथ सर्व कर रही हूँ।